अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? मैंने आपसे पूछना था कि जब आप स्क्विंट सर्जरी करते हैं, जो आपके पेशेंट्स हैं, आप उनको क्या गाइडलाइन देते हैं कि वो कितने दिन बाद मुंह धो सकते हैं, यानी आंखों में पानी वगैरह चले जाए, और कब फ्री नहीं, बगैर किसी खतरे के, इन्फेक्शन वगैरह के, वो नहा सकते हैं? यानी अगर आंखों में थोड़ा बहुत पानी चला भी जाए तो कोई मसला ना हो, तो ये आप मुझे बता देंगे प्लीज़? स्क्विंट सर्जरी जो है ना, वो तकरीबन एक्सटर्नल सर्जरी है, आँख के अंदर की सर्जरी नहीं है। तो इसलिए उसका कोई ख़तरा नहीं, कोई डर नहीं है। वो हाथ मुँह धो सकते हैं, इवन दूसरे दिन भी धो सकते हैं। तो इसलिए टेंशन की बात नहीं है। आप हाथ मुँह धोएं, नहाएं, बेशक नमाज सीधा भी कर सकते हैं। अगर कुछ दर्द फील हो तो बेशक अवॉइड करें, वरना वो मना नहीं है। मतलब हाथ मुँह धोना, नहाना, सीधा करना, कोई भी ख़ास परहेज इसमें नहीं है। बस कतरे डालते रहें, बस।